हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यह जो वीडियो है ज्योग्राफी सब्जेक्ट का है, क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए है। सबसे पहले आप लोगों को एक बात बता दूं कि बगल में बॉक्स बज रहा है, पूजा का एक ओकेजन है उसके उपलक्ष में, तो थोड़ा सा साउंड जरूर बॉक्स का आएगा, तो आपको उसको लेकर डिस्टर्ब नहीं होना है। और अपने ये जो वीडियो भी तो बनाना ज़रूरी है, क्योंकि 13 तारीख से आपका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है और बहुत सारा सब्जेक्ट अभी बाकी है। तो ये ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 8 मैं कराने जा रहा हूँ। और यदि आप वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 11 के स्टूडेंट और फर्स्ट सेमिस्टर की तैयारी कर रहे हैं, तो यह आपके लिए चैनल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके आप बताइए ना कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। इसके पहले मैं 7 चैप्टर अपलोड कर चुका हूँ, 1 से लेकर 7 तक। यदि आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसका नाम लिखा हुआ है WB Class 11 Semester 1। और साथ ही साथ और एक इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, यदि आप PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहाँ से आप जुड़कर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के द्वारा आपको PDF जरूर प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फटाफट। हमारा पहला क्वेश्चन है, पाठ का नाम देख लीजिए कि भारत संरचना एवं भौतिक विभाग। तो उसमें जो सबसे पहला टॉपिक हो रहा है कि सतजल गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को देखिए। यह मैदान किस क्षेत्र के बीच फैला हुआ है? तो पंजाब से असम तक। इस मैदान का निर्माण किसके द्वारा हुआ था? तो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से। इस मैदान की कुल लंबाई कितनी है? तो 2400 किलोमीटर। इस मैदान की औसत ऊंचाई सागर तल से कितनी है? तो 183 मीटर। दिल्ली और कोलकाता के बीच समुद्र तल से ऊँचाई में कितना अंतर है? तो 200 मीटर का। सतजल का मैदान किस दिशा की ओर ढलता है? तो यह उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर ढलता है। गंगा के मैदान की औसत ऊंचाई पूर्वी डेल्टा भाग में कितनी है? तो 50 मीटर। सरहिंद जल विभाजक की ऊंचाई कितनी है? तो 303 मीटर। ब्रह्मपुत्र के मैदान की ऊंचाई औसत ऊंचाई कितनी है? तो 160 मीटर। माजुली किस नदी में स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी में। सुंदरवन का डेल्टा किन नदियों के मुहाने पर बनता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। भावर प्रदेश की किस प्रकार की मिट्टी से बना है? तो ये मोटे कणों और कंकड़ पत्थरों से। तराई प्रदेश में कौन सी फसलें उगाई जाती है? तो धान, गेहूं, गन्ना, पपीता और केला। दबाव क्षेत्र क्या है? तो दो नदियों के बीच की भूमि, यानी दबाव नहीं दुआब होगा, ठीक है, गलत लिखा गया है। बांगर क्षेत्र की विशेषता क्या होती है? तो बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता। उसके बाद है, भूत्र क्षेत्र में क्या मिलता है? तो रेतीली भूमि। उत्तर भारत के मैदानी भाग का मुख्य महत्व क्या है? तो अत्यंत समतल भूमि होती है। सतजल एवं गंगा के मैदान में क्या विशेषता होता है? तो नहरों का जाल बिछा हुआ है। सतजल के मैदान में कौन कौन सी नदियां बहती है? तो रावी, चीनाव, ब्यास और सतजल नदी। भारत के अधिकांश तीर्थ स्थल किस मैदान में स्थित है? तो गंगा के मैदान में। अब देखिए दक्षिण का पठार में देख लीजिए, दक्षिण का पठार किन प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में। दक्षिण का पठार किस भूभाग का अंश है? तो गोंडवाना लैंड। नर्मदा नदी दक्षिण का पठार कितने भागों में विभक्त करती है? तो दो भागों में। मध्य एवं पूर्वी भारत की उच्च भूमि का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो गुरु शिखर है। मालवा पठार का ढाल किस दिशा की ओर है? तो उत्तर दिशा की ओर है। भारत के किस पठार को स्टोर हाउस ऑफ इंडिया मिनरल्स कहा जाता है? तो छोटा नागपुर का पठार। दक्कन का पठार का औसत ऊंचाई कितना है? तो 300 से 900 मीटर। गोदावरी और कृष्ण नदियों के बीच कौन सा पर्वत नहीं है? तो पूर्वी घाट। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दादा बंटा। लावा पठार को किस नाम से भी जाना जाता है? तो दक्कन ट्रैप। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊँची चोटी कौन सी है? तो पुगमह। दक्षिण के पठार के दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? तो कर्नाटक का पठार। दक्षिण के पठार की कौन सी चोटी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो अनाय मुंडी। भारत में कपास की काली मिट्टी का प्रदेश किसे कहा जाता है? तो दक्कन ट्रैप। महाबलेश्वर शिखर किस पर्वत में स्थित है? तो पश्चिमी घाट में। नीलगिरी एवं अन्नामलाई के मध्य कौन सा दर्रा स्थित है? तो यह है पालघाट दर्रा।
उसके बाद दक्षिण के पठार पर स्थित प्रमुख जल प्रपातों का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो जल विद्युत उत्पादन के लिए नर्मदा और तप्ती नदियां किस सागर में गिरती है, तो अरब सागर में। दक्षिण के पठार के किस भाग में बाबा बुदन पहाड़ी स्थित है, तो कर्नाटक का पठार। भारत के दक्षिण के पठार पर कौन सी नदियां प्रमुख रूप से बहती है, तो गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में देख लीजिए कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहां स्थित होता है, तो अरबियन सी के पास में। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की सबसे उत्तरी सीमा कौन सी है, तो सबसे उत्तरी सीमा है रन ऑफ कच्छ है ये। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का कौन सा हिस्सा सबसे चौड़ा होता है, तो मालाबार कोस्ट। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का कौन सा भाग गोवा और मुंबई के बीच स्थित है, तो कोंकण कोस्ट। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का कौन सा भाग कर्नाटका और केरला के बीच स्थित है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हाँ तो ये हो जाएगा कनारा कोस्ट। ओके, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की औसत चौड़ाई कितनी होती है, तो 60 किलोमीटर। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पर कौन सा प्रसिद्ध बंदरगाह स्थित है, तो मुंबई पोर्ट है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का कौन सा भाग सबसे दक्षिण में है, तो मालाबार कोस्ट। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पर कौन सी प्रमुख नदी बहती है, तो नर्मदा। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पर कौन सी झील स्थित है, तो ये है वेम्बानंड लेक। उसके बाद पूर्वी तटीय मैदान के बारे में देखिए, यानी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहाँ स्थित है, तो बॉय ऑफ बंगाल के पास, यानी बंगाल की खाड़ी। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की सबसे उत्तरी सीमा कौन सी है, तो सुंदरबन। आपको कमेंट करके बताना है कि सुंदरबन में कौन से वृक्ष सबसे अधिक पाए जाती है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का कौन सा हिस्सा सबसे चौड़ा है, तो नॉर्दर्न सर कर्स। उसके बाद ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का कौन सा भाग तमिलनाडु में स्थित है, तो यह स्थित है कोरोमंडल कोस्ट। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की औसत चौड़ाई कितनी है, तो 100 किलोमीटर। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पर कौन सा प्रसिद्ध बंदरगाह स्थित है, तो चेन्नई पोर्ट है। यानी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का कौन सा भाग सबसे दक्षिण में है, तो कोरोमंडल कोस्ट। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पर कौन सी प्रमुख नदी बहती है, तो महानंदा नदी। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पर कौन सी झील स्थित है, तो चिलिका झील है, मैंने लेक। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का कौन सा भाग सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह विशाखापट्टनम पोर्ट को कवर करता है, तो नॉर्दर्न सर्कर्स। उसके बाद है तटीय मैदानों का महत्व देखिए, तो तटीय मैदानों का कौन सा हिस्सा विशेष रूप से कृषि के लिए महत्वपूर्ण है, तो दोनों आप देख सकते हैं। और भी तटीय मैदान का कौन सा हिस्सा मछली पकड़ने के उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है, तो दोनों हो जाएगा। तटीय मैदान का कौन सा हिस्सा समुद्री व्यापार के लिए महत्वपूर्ण होता है, तो दोनों हो जाएगा। कौन सी तटीय झील मछली पकड़ने और पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण होता है, तो चिल्का लेक। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का कौन सा हिस्सा चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो कोरोमंडल कोस्ट। तटीय मैदानों पर कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण करती है, तो गोदावरी नदी। कौन सी नदी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पर सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, तो गोदावरी। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के कौन से क्षेत्र में मानसूनी की तीव्रता अधिक होती है, तो मालाबार कोस्ट। कौन सा तटीय क्षेत्र पर्यटन के लिए प्रमुख स्थान है, तो कोंकण कोस्ट। उसके बाद ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का कौन सा स्थान एक प्रमुख तीर्थस्थल है, तो रामेश्वरम। पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदानों में अंतर देख लीजिए, पूर्वी तटीय मैदान की औसत चौड़ाई कितनी है, तो 100 किलोमीटर। पश्चिमी तटीय मैदान की औसत चौड़ाई कितनी है, तो 60 किलोमीटर। पश्चिमी तटीय मैदान की प्रमुख नदियों का बहाव किस ओर में होता है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर। उसके बाद है पूर्वी तटीय मैदान की प्रमुख नदियों का बहाव किस दिशा में होता है, तो किस दिशा में होता है आप देख लीजिए, तो ये होता है आपका पश्चिम से पूरब की ओर। पूर्वी तटीय मैदान में स्थित कौन सी प्रमुख झील है, तो पुलिकट लेक। उसके बाद है पश्चिमी तटीय मैदान का कौन सा भाग अपनी
आपका वेक वाटर बोटिंग के लिए प्रसिद्ध है। तो मालाबार कोस्ट कौन सा तटीय मैदान तटीय क्षेत्रों में जल मार्गों के लिए प्रसिद्ध है? तो मालाबार कोस्ट पश्चिमी तटीय मैदान की औसत ऊंचाई कितनी होती है? तो ये होता है आपका 100 से 300 मीटर। पूर्वी तटीय मैदान की प्रमुख नदियां कौन सी है? तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। पश्चिमी तटीय मैदान की प्रमुख नदियां कौन सी है? तो नर्मदा, तप्ती। थार का मरुस्थल, देखिए थार मरुस्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। थार मरुस्थल का दूसरा नाम क्या है? तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट। थार मरुस्थल का विस्तार किस देश तक है? तो पाकिस्तान तक। थार मरुस्थल का मुख्य नगर कौन सा है? तो जैसलमेर। थार मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो लगभग देख लीजिए 91,000 से 10,000 लाख, लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर। थार मरुस्थल की जलवायु कैसी है? तो शुष्क है। थार मरुस्थल में वर्षा की औसत मात्रा कितनी होती है? तो 200 से 300 मिली। थार मरुस्थल का सबसे बड़ा रेत का टीला कौन सा है? तो सैंड ड्यून्स। थार मरुस्थल की प्रमुख नदी कौन सी है? तो लूनी है। थार मरुस्थल में पाए जाने वाले प्रमुख वनस्पति प्रकार कौन से है? तो यह है शुष्क वर्ग कटीली झाड़ियाँ। थार मरुस्थल में पाए जाने वाले प्रमुख जानवर कौन से है? तो ऊँट और गधा। थार मरुस्थल का कौन सा क्षेत्र सिंचित है? तो इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र। थार मरुस्थल के कितने किनारे का कौन सा किला प्रसिद्ध है? तो जैसलमेर किला। थार मरुस्थल के किस हिस्से में घनी आबादी पाई जाती है? तो पूर्वी हिस्सा में। थार मरुस्थल की रेत के कण किसके कारण चलते हैं? तो हवा के कारण। थार मरुस्थल में किस फसल की खेती मुख्य रूप से की जाती है? तो बाजरा की। थार मरुस्थल का सबसे प्रमुख पर्यटक स्थल कौन सा है? तो जैसलमेर। थार मरुस्थल के किनारे किस क्षेत्र में ऊँट की दौड़ आयोजित की जाती है? तो बीकानेर में। थार मरुस्थल की पारिस्थितिकी को बनाए रखने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? तो ऊँट की। थार मरुस्थल का प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? तो नमक होता है। अब द्वीप देखिए, आइलैंड के बारे में देख लीजिए। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप द्वीप समूह किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो केरल के। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मध्य मंडल। लक्षद्वीप द्वीपीय समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मिनिकॉय। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का प्रशासनिक केंद्र कौन सा है? तो पोर्ट ब्लेयर। उसके बाद लक्षद्वीप द्वीप समूह का प्रशासनिक केंद्र कौन सा है? तो कवरत्ती। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में किस जनजाति की प्रमुखता है? तो सभी की होती है। लक्षद्वीप द्वीप समूह के लोगों की मुख्य भाषा क्या होती है? तो मलयालम। पामन द्वीप किस देश में स्थित है? तो मालदीप में। उसके बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का मुख्य पर्यटन स्थल कौन सा है? तो हैलक द्वीप। लक्षद्वीप द्वीप समूह में किस प्रकार का वनस्पति प्रकार पाया जाता है? तो तटीय वनस्पति प्रकार। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार का मौसम होता है? तो उष्णकटिबंधीय। लक्षद्वीप समूह का प्रमुख आर्थिक गतिविधियां क्या है? तो मछली पकड़ना। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का प्रमुख पर्यावरणीय खतरा क्या है? तो सुनामी। लक्षद्वीप समूह में किस प्रकार का समुद्री जीव पाए जाते हैं? तो सभी पाया जाता है। पामन द्वीप का प्रमुख पर्यटन आकर्षण क्या होता है? तो मुंगा रीफ। उसके बाद है द्वीपों का महत्व क्या होता है? तो ये सभी महत्व होते हैं इसके। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। लक्षद्वीप समूह में किस खेल का प्रचलन है? तो काय किंग का। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सबसे ऊँचे पर्वत का नाम क्या है? तो सैडल पिक। तो इस वीडियो में बस इतना ही। और अभी तक आपने वीडियो को देखा है तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं मेरे वीडियो को, आपको किस सब्जेक्ट के ऊपर और वीडियो चाहिए कमेंट करके बताइए, मैं उसको प्रोवाइड करने का ज़रूर चेष्टा करूँगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।